आपको लिए चलते हैं, वकील क्या कह रहे हैं? 10 दिन अलाउ हुआ और नजर एक्ट में सोनारिस का प्यार था वो अलाउ हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। উনি অবজেকশন দিয়েছেন এবং মামলার পিসি যাতে আলাদা হয় সেটা উনি বলেছেন, উনি অবজেকশন দিয়েছেন। কমপ্লেন তো ও যে ইডি কা ডেপুটি ডিরেক্টর থা, একই কেস মে নেই, দো কেস মে, এক পুলিশ নে শো মোটর কিয়া উস কেস মে ভি ও নজর আট হ্যায়, और ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर किया था वो ईडी का, वो नजर 9 है, 9 में 10 दिन पीसी अलाउ हुआ और वो 8 में सोनारिस्ट का प्लेयर अलाउ हुआ। एक्ट सारा ये इतना सारा सब नॉन अवेलेबल है, 307 था, 333 था, 392 सच एंड सच बहुत था, बहुत सेक्शन है राजा भूमि। तो 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रहेगा शाहजहां शेख। वकील यहां पर जानकारी देते हुए, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, जिस तरीके से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है उस पर पुलिस पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त की अहम जानकारी मैं आपको बता दूं कि पुलिस के तरफ से उनके गिरफ्तारी के बाद 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन बशीरहाट कोर्ट ने बाकायदा 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है शेख शाहजहां, यानी जो सौंदेशखाली घटना में जो ईडी ऑफिसर्स जो हमले के शिकार हुए थे उस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है, और उस सिलसिले में अब 10 दिन की पुलिस कस्टडी में वो उनको भेजा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस सुनवाई के फौरन बाद पुलिस बाकायदा और तमाम सिक्योरिटी जो पर्सनल थे वहां पर तैनात थे, और फिलहाल उन्हें फौरन यहां से जो है निकाला गया है, और पुलिस की बिल्कुल वहां पर एक टीम रैपिड एक्शन फोर्सेस और एडिशनल फोर्सेस उन्हें तैनात किया हुआ था वहां पर, और वहां पर फौरन सुरक्षा के साथ उन्हें फिलहाल बोशीराट कोर्ट से रवाना करवाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। आपको हम बता दें कि उनके लॉयर से हम बात किए थे, तो जो दो केस यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी में नजाट पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज किया गया था उस सिलसिले में जो है वो मैं आपको बता दूं कि ईडी के ऊपर जो हमला हुआ था 5 जनवरी, इस सिलसिले में कई सारे जो मामले हुए थे आरोप दर्ज करवाया गया था, उसी सिलसिले में शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद उन्हें आज बोशीराट कोर्ट में पेश करवाया गया। सुबह करीब 5 बजे उसे यहां पर लाया गया, उसके बाद 11 बजे के करीब उसे जो है कोर्ट के सामने लाया गया, तो बहुत ही कम समय के लिए उसे फिजिकली अपेयर करवाया गया था। कोर्ट लॉकअप से बहुत ही ड्रामेटिकली उसे निकाला गया घेराबंदी के साथ, उसके फौरन बाद उसे कोर्ट के सामने लाया गया, जज के सामने लाया गया, और उसके 3-4 मिनट बाद ही उन्हें वापस फिर से कोर्ट लॉकअप में भेज दिया गया। उसी सुरक्षा तैनात थी तभी, और इसके थोड़ी देर में जो है राय निकल कर आ रही है, उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजी गई है, यानी पुलिस के तरफ से 14 दिन का मांग किया गया था पूछताछ के लिए, कई अन्य सारे मामले जो है उनके खिलाफ दर्ज है, तो इन सिलसिले में पुलिस अब तफ्तीश करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो जिसके कारण उसे अब 10 दिन पुलिस यहाँ पर इन्वेस्ट जो है उससे तहकीकात करेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई अन्य सारे जो सरगना है इस अपराध के वो अभी भी फरार है, खासकर शेख सिराज जिनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है, आरोप के दर्ज करवाया गया है, तो वो भी उसके भाई भी है शेख शाहजहां के, वो भी अभी फरार चल रहे, तो इन सब चीजों में जो है आपको अब सवालों के घेरे के सामने आएंगे और शेख शाहजहां से पूछताछ करेंगे पुलिस। अर्पिता, ऋतिक, जिस तरह अभी गिरफ्तारी हुई उसके बाद रिमांड पर लिया गया, लेकिन बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसे सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी, उसे यहां 5-स्टार होटल जैसा रखा जाएगा, फोन भी मिलेगा, वो आरोपियों को भी प्रभावित कर सकता है, पीड़ितों को भी प्रभावित कर सकता है, क्या ये सारे दलील भी अब कोर्ट के सामने रखे गए थे या रखे जाएंगे जिसके बिहाफ पे कुछ और कड़ी सुरक्षा में उसको रखा जाए?
देखिए ये तो हम मान रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल फिलहाल क्रिमिनल है। जिस तरीके से ये जो घटना हुआ है यानी सौंदेश खाली में सिर्फ ईडी के ऊपर जो हमले हुए हैं, इसमें प्राइम एक्यूज पुलिस का कहना है, आज एडीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुप्रतिम सरकार ने, उन्होंने स्पष्ट कह दिया ये प्राइम एक्यूज है। तो मुख्य आरोपी अगर वो है उसके, और हम जिस तरीके से वहां पर जानते हैं उसकी जिस तरीके से दबदबा था, वो एक तरीके से बेताज बादशाह हुआ करते थे सौंदेश खाली के, तो उनके उनके जो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत पुरजोर रहेगी। और वो हम देख भी रहे थे आज बोशीडाट कोर्ट में जिस तरीके से एहतियातन वहां पर सुरक्षा बढ़ा दिया था। तो इस बीच राजनीति बहुत खूब हो रही है, उसमें खासकर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये सोची साजिश के तहत, सोची समझी एक साजिश के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, साठगांठ है, इस तरह के गंभीर आरोप जो है बीजेपी उठा रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि आगे चल के क्या होता है, क्योंकि देखिए बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से कुणाल घोष और अभिषेक बैनर्जी ये स्पष्ट कर दिया कि आगे 7 दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो तब से लेकर इस पर सवाल जो है बीजेपी उठा रहे थे, और उसके 2 दिन बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस और तृणमूल पार्टी और सरकार का कहना है कि पिछले बीते दिनों में जिस तरीके से कोर्ट के तरफ से गतिरोध, उनका कहना है कि कोर्ट की तरफ से गतिरोध बना हुआ था, जिस तरीके से मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के वहां पर पहुंचा था, तो उसको लेकर जो ऑर्डर्स थे उसके चलते वो पुलिस चाहकर भी शाजा शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था, आखिरकार 55 दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जैसे ही कोर्ट अपनी राय स्पष्ट कर दी, पिछले 2 दिनों में लगातार कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि कोई पाबंदी नहीं है, चाहे ईडी सीबीआई या फिर पुलिस जो चाहे वो अरेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद उसका गिरफ्तार।